दोस्तों, एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये कहानी कुमाऊं रेजिमेंट के हवलदार डकरदेव और उनकी पत्नी गोपुली की है। दरअसल ये कहानी गोपुली की ही है, वो गोपुली जो सदियों पहले अपनी जबान नहीं खोल सकती थी, न बोलने की एक मजबूरी थी। और आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के, ग्रामीण अंचल के गांवों में रहने वाली गोपुली बोल नहीं सकती, यानी बोल सकती है लेकिन मुंह नहीं खोल सकती किसी भी अन्याय के खिलाफ, उस पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ। आप सोच रहे होंगे कि अचानक गोपुली की बात कहां से निकली। दोस्तों, आइए आपको तफसील में सुनाता हूं। ये कहानी लिखी है हिमांशु जोशी ने। हिमांशु जोशी जी हिंदी दुनिया के स्वनाम धन्य लेखक हैं, जिनको सारी दुनिया जानती है। इनकी कहानियाँ हिंदी के अलावा बहुत सारी विदेशी भाषाओं में भी प्रस्तुत हुई है, इनकी कहानियाँ और इनके नावल, जिसमें स्वीडिश है, जर्मन है, और इसमें रशियन है, नॉर्वेजियन है, और कई भाषाओं में आपकी कहानियाँ दुनिया के सामने आई हैं। ये जिस कहानी, जिस किताब से मैंने ली है, ये किताब है इस बार फिर बर्फ गिरी तो। बरसों से ये किताब मेरे लाइब्रेरी में थी, निजी लाइब्रेरी में, लेकिन आज मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए। और इसमें जितनी कहानियाँ हैं सब पर बात नहीं हो सकती, सिर्फ एक कहानी का बखान मैं यहाँ कर रहा हूँ। उस कहानी में, कहानी का हीरो डकरदेव कुमाऊं रेजिमेंट में है, यानी आर्मी में है, और वो 2 साल के बाद छुट्टी लेकर अपने घर आता है। और घर आने से पहले अपने दोनों भाइयों को चिट्ठी के ज़रिए खबर कर देता है कि मैं आने वाला हूँ। और वो एक जगह है जहाँ उनको वो बुलाता है कि वो आ जाएं और वहाँ घोड़े का इंतज़ाम कर लें, चूँकि वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती, 2-व्हीलर या 4-व्हीलर वहाँ से नहीं गुजर सकती, इसलिए घोड़े वहाँ चलते हैं जिस पर सामान लादा जाए, और फिर घोड़े या खच्चर और लोग पैदल सफ़र करते हैं। ये आज भी हकीकत है गढ़वाल और कुमाऊं रीजन के बहुत सारे गाँव की। इन पहाड़ी इलाकों में हर जगह सड़कें न बन सकती हैं न बनी हैं, जहाँ बन सकती हैं वहाँ भी ज़्यादातर कागज़ों पर बनी हैं, प्रैक्टिकली वहाँ वो सड़कें नहीं बनी हैं, वो सुविधाएं शहरों की नहीं हैं। अब इस कहानी में यह है कि जैसे ही वो आते हैं, आने के पहले उन्होंने अपनी माँ के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी पत्नी गोपुली के लिए उन्होंने तोहफे भी लिए हैं, उनके लिए कुछ कपड़े भी लिए हैं। वो आते हैं, पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई रिसीव करने नहीं आता, वहाँ कोई नहीं पहुँचता है। शाम ढल रही होती है, वो धीरे 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 सफ़र कर रहे होते हैं, और फिर मन में उन्हें अच्छा भी नहीं लगता है कि मैंने जब पहले चिट्ठी 15 दिन पहले खबर कर दी थी तो उसके इस वक्त में तो उनको आ जाना चाहिए, लेकिन कोई उन्हें लेने नहीं आता है। तब वो मन मार के धीरे धीरे वो घर पहुंच जाते हैं, और घर पहुंचने के बाद उन्हें अंदाज़ा होता है कि उनके पिताजी ने 1 दिन पहले ही गुजरे हुए दिन उन्होंने फांसी लगाकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। और सब लोग अपने उस दुख में सब डूबे हुए होते हैं, और रिश्तेदार भी आ जाते हैं, गांव के लोग भी होते हैं। और फिर वो थोड़ी देर बाद, थोड़े घंटों बाद, जब आधी रात को उनको अंदाज़ा होता है तो पता चलता है कि उनके भाई और उनकी माँ नीचे वाले कमरे में, जहाँ पशु बांधे जाते हैं, वहाँ पहाड़ों के घर ऐसे होते हैं कि नीचे घर के अंदर सर्दी से बचने के लिए या बचा के रखने के लिए जानवरों को एक अलग कमरा या एक हॉल दिया जाता है जहाँ जानवर होते हैं। तो उस जानवर खाने में ये पहुँचते हैं, शोर सुनकर वहाँ पहुँचते हैं, पता चलता है कि उनको घूंसों और लातों से पीटा गया है, उनकी पत्नी को।
गोपुली ज़ख्मी हालत में मिलती है और फिर माँ चीख चीख कर रो रो कर आसमान सर पे उठा लेती हैं, और फिर जब ये पहुँचते हैं तो इनको वो सारी बातें बताती हैं और ये कहती हैं कि इसका क्या किया जाए, ये गर्भवती हैं 3 महीने से, और जाहिर है कि ये 2 साल से नहीं थे और वो गर्भवती हैं, तो वो कहती हैं कि इसने अपना मुँह काला कर लिया है। और फिर बातों बातों में अंततः इन्हें पता ये चलता है कि उनके गर्भवती होने में इनके पिता का हाथ था। वो ये कहती हैं कि ये इस डाइन के पीछे तुम्हारे पिता पड़ गए थे और वो अपना मुंह किसी को नहीं दिखा सकते थे, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली है। तो ये होती है और सब मिलके उनकी माँ ये चाहती हैं कि उस इनकी पत्नी गोपुली को, जिनसे इनको बहुत प्यार था, बहुत चाहते थे, ये दिखाते हैं कि वो एकदम नाराज रहती हैं, इनके भाई भी और ये भी, यानी पूरा परिवार, और ये समझ नहीं पाते कि इनको क्या करना चाहिए। ऐसे में उनकी माँ कहती हैं कहीं पहाड़ी से इनको धक्का दे दो, कहीं दूर जाके इनको ऐसे जगह मार के गड्ढे में गाड़ दो, इनकी ज़िंदगी छीन लो, और इस तरह की बातें करती हैं जिससे परेशान होकर कई दिनों तक ये, यानी इसी हाल में वो रहती हैं कि न उन्हें कोई खाने को पूछने वाला है, न उन्हें कोई उनका हालचाल पूछने वाला है। तो डकरदेव को अपनी मोहब्बत का एहसास होता है कि आखिर वो मेरी पत्नी है, तो वो उसे छुपा कर, माँ अपनी माँ और भाइयों से छुप कर उनको वो खाना देते हैं, और देखते हैं कि वो आधी बेहोशी की हालत में है, तो उसकी किसी तरह वो सेवा करते हैं ताकि वो जीवित रहें और नॉर्मल रह सकें। फिर उसके बाद 3 दिन के जो एक कार्यक्रम होता है, एक परिपाटी है, एक जो संस्कारों के जो काम हैं वो किए जाते हैं, ब्राह्मण आते हैं, पूजा होती है, सबको भोजन दिया जाता है। फिर उसके बाद वो सबके जा चुकने के बाद तब माँ और भाई सब इकट्ठा होते हैं और कहते हैं इसको ले जाके अब इसका कांड कर दो, इसको जो भी करना है कर दो। वो सिर्फ एक शब्द, एक ये वाक्य कह पाती हैं अपने पति से जब वो उनसे अकेले में जाकर पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, क्यों हुआ, तो वो बताती हैं कि इसमें मेरा कसूर नहीं था। और गोपुली इसके अलावा कुछ कह नहीं पाती, वो गोपुली को किसी तरह लाद कर एक बंडल की तरह जैसे बांधते हैं उस तरह लेकर वो पहाड़ों पे चल पड़ते हैं। फिर एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे कच्चे रास्ते हैं, कच्चे पांव के निशान हैं, ये धीरे 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 किसी ख्याल में डूबे डकरदेव जा रहे होते हैं। तब इन्हें अंदाज़ा होता है कि वो लोग जो इनके भाई और कुछ और भी पदचिन्ह हैं वो शायद उस उनकी गोपुली के साथ कुछ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह पेश आ रहे हैं, और ये कहते हैं कि ये ऐसा अंधेर नहीं होने दूंगा, और वो उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। हिमांशु जोशी जी की कलम की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। बहुत सुदृढ़ ढंग से उनकी कहानियों की बुनावट ऐसे होती है जैसे कपड़े को बुनने वाला एक एक धागे को जिस तरह और जिस सलीके से बुनता है, वैसे उनके यहाँ शब्दों की ऐसी बुनावट होती है, और भाषा उनकी वही है जिस भाषा को हम हिंदी कहते हैं, हिंदुस्तानी कह सकते हैं, ऐसी भाषा जो वहाँ के स्थानीय जगह, स्थानीय ज़मीन, स्थानीय जीवन पद्धति और वहाँ के संस्कारों को जो बयान करने के लिए जिन शब्दों की ज़रूरत होती है वो सारे शब्द इनके पास हैं। और पहाड़ की ज़िंदगी का एक आईना है ये कहानी। आपको कहानी का नाम बताता हूँ, नंगे पांव के निशान, ये कहानी का शीर्षक है, और किताब का नाम है इस बार बर्फ गिरी तो। इस किताब को दिल्ली के मशहूर पब्लिशर इंद्रप्रस्थ प्रकाशन ने छापा है, और हिमांशु जी जोशी जी की बहुत सारी कहानियों के संग्रह हैं, उनके बहुत सारे नॉवल हैं, और उन्होंने अपनी ये किताब डेडिकेट की है कमलेश्वर जी के नाम। कमलेश्वर जो
जिन्हें मैं प्रोफेसर कमलेश्वर कहता हूँ, मेरे गुरु भी थे। पत्रकारिता में और साहित्य में दोनों में अनमिट निशान उन्होंने छोड़े हैं। हिंदी का वांग्मय समृद्ध हुआ है कमलेश्वर जी के कलम से। 99 फिल्मों की स्क्रिप्ट और डायलॉग उन्होंने लिखे, और इसके अलावा उनकी जो कहानियां हैं, उनका मशहूर नावल कितने पाकिस्तान उसको साहित्य अकेडमी ने अवार्ड दिया था, और हिंदुस्तान के बड़े बड़े अखबारों के वो संपादक रहे। और जाहिर है कि इस किताब को जोशी जी ने उन्हें डेडिकेट किया है, तो ये कमलेश्वर जी का भी सम्मान है और इनका भी सम्मान है कि इतने बड़े लेखक हैं और इस मोहब्बत से ये जिक्र करते हैं। इसमें इन्होंने अपने एक फॉरवर्ड लिखा है जिसके अंदर ये कहानियाँ के नाम से, और उसमें उन्होंने बताया कि ये कहानियाँ कैसी हैं, क्या हैं। पहाड़ी ज़िंदगी की एक झलक इन कहानियों में मिलती है, और मैंने इन कहानियों को कल रात, इस कहानी को खासकर मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि उस गोपुली ने, जिसकी ज़बान नहीं थी, हमारे समाज ने जिसकी ज़बान छीन ली थी, जिसे प्रतिरोध करने की क्षमता होते हुए उस क्षमता का इस्तेमाल न कर पाने की मजबूरी हमें गोपुली की ज़िंदगी में नज़र आती है। जब कोई किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करता है तो वो उसका प्रतिरोध होना चाहिए। एक इंसान के नाते, चाहे वो महिला हो के पुरुष हो, दोनों बराबर हैं। उनकी बराबरी की वकालत हमें सदैव करनी चाहिए, और अपने जीवन में जब भी कोई ऐसा मौका आए तो ये अन्याय नहीं करना चाहिए कि अगर कोई जवाब नहीं दे रहा है, अगर वो अपने प्रतिरोध को वो भाषा नहीं दे रहा है, अपनी ज़बान नहीं दे रहा है, तो ये नहीं कि उस पर अन्याय को जारी रखा जाए। इस कहानी ने मुझे रुलाया भी, चिंतित भी किया, और उनके अंदाज ने, उनकी भाषा ने, जिसमें इतनी चमक है कि मुझे मनु भंडारी, खुद कमलेश्वर जी, और इस तरह के पंकज बिष्ट, राजेंद्र यादव, इस तरह के लेखक मुझे याद आए, और मुझे ये लगा कि इस कहानी लिखने के ये फ़न, कहानी लिखने के आर्ट से पूरी तरह न सिर्फ वाकिफ़ हैं, बल्कि उस पर इनका एक साम्राज्य है, समझें, शब्दों पे एक साम्राज्य है जिस पे वो जहाँ जैसे चाहते हैं वैसे वो लिख देते हैं, और बहुत खूबसूरती से लिखते हैं। इनको पढ़कर अच्छा लगता है, न सिर्फ अच्छा लगता है, बल्कि ये एक हमें इनकी कहानियाँ एजुकेट करती हैं, हमें एक ऐसा रास्ता दिखाती हैं जिस पे हमें चलने की हिम्मत मिलती है। इनकी कहानियाँ हमें हौसला देती हैं। मैं इस किताब के लिए चाहूँगा कि यह मेरी 2023 की पसंदीदा किताबों में से है, इस किताब को आप ख़रीदें, इस किताब को आप पढ़ें, और इन कहानियों के अंतःपुर में जाएं, इन कहानियों के अंदर जाएं, और शब्दों से पार की यात्रा करें, बिटवीन द लाइंस को समझें, कहानियों के प्लॉट को समझें। और आज की जो पीढ़ी है, जो कहानियाँ लिखना चाहती है या लिख रही है, उनको इन ऐसे हिमांशु जोशी साहब जैसे लेखकों को पढ़ना चाहिए, इसलिए कि उनकी ये कहानियाँ अपने आप में एक क्लासिक का दर्जा रखती हैं। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आएगा। आप पसंद आए तो इसको आप सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके हमें धन्यवाद करने का मौका दें। बहुत बहुत शुक्रिया।